आज हम बात करेंगे, बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं और कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप बच्चों को आज के टाइम पर, है ना। तो क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको। अब जैसे कि मान लो आप बच्चा टीवी देख रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कितनी बार डांटोगे। अपने घर का जो सेट है टीवी का, उसको रख दें आप पूरब दिशा की ऊपर, ईस्ट वॉल पर। अगर टीवी होगा तो बच्चा ईस्ट की तरफ फेस करके देखेगा। टीवी देखने से जो उसको नुकसान होता है बच्चों को, किसी भी गैजेट को चलाने से, वो तो होगा होगा, उसको तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता लाइफ में। पर आप इतना कर सकते हो कि अगर उसका चेहरा बच्चे का पूर्व दिशा की तरफ होगा तो बच्चे को कम नुकसान होगा। ऐसे ही बच्चा जब 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल चला के बैठता है, तो कोशिश करें उसका चेहरा पूरब की तरफ करवा दें कि बेटा ऐसे करके इधर बैठ के मोबाइल यूज कर लो। वैसे तो यूज करना खराब है, पर आज के टाइम पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा की तरफ उसका चेहरा करवा दें बच्चे का, टेलीविजन देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसका आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, बच्चों के साथ हमेशा ध्यान रखें। जब भी बच्चा बहुत देर तक टीवी देखता है, बहुत देर तक मोबाइल चलाता है, तो बीच बीच में बच्चे को पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। दूसरी बात, जब बच्चा अपनी पढ़ाई करके हटता है, क्योंकि आजकल बच्चे लैपटॉप पर है ना, यही सब मोबाइलों पर पढ़ाइयां कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए कोशिश करें आप, बच्चा जब अपनी पढ़ाई कर ले लैपटॉप से, मोबाइल से, तो बच्चे को 1-2 गिलास पानी दे दें पीने के लिए पढ़ाई होने के बाद, और पढ़ाई शुरू होने से पहले उसको पानी दे दें। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं, ये बच्चों को बहुत लाभ देंगे जीवन में। और एक बात और बता दूं माता पिता को, सभी लोगों को, जो भी आदमी पूजा करता है, अभी तो बच्चों का सेक्शन बताया, इसी के अंदर मैं एक सेक्शन जेंट्स को, लेडीज को, फीमेल्स को, मेल्स को, सबको बताता हूं कि जब भी आप पूजा करने बैठें, पूजा करने बैठें, तो पूजा करने से पहले आप थोड़ा सा पानी पी के बैठा करें। पानी पीने से क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर का फ्लो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप मंत्रों का चैंट करते हैं ना, मंत्रों का उच्चारण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वेच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वेच्चे, तो मंत्रों का जाप करने से आपकी बॉडी के अंदर से पानी बर्न होता है, जलता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि जल को ग्रहण कर लें पूजा करने से 5 मिनट पहले। अब आधा ग्लास पीना है, 1 गिलास पीना है, जितना पीना है वो आपकी मर्जी। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है लाइफ में, पूजा कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट तक आपको मुंह से वर्ड्स नहीं बोलने। जो मंत्र होते हैं, मंत्र हमेशा परफ्यूम की बॉटल की तरह होते हैं। आप जितनी देर मंत्र को शरीर में संभाल के रख सकते हैं, सिक्योर करके रख सकते हैं, उतना ही वो बॉडी में फ्लो करते हैं। एक बाल्टी है पानी की, उसमें छेद हो गया तो पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। पूजा करने के बाद 10 मिनट तक मौन रखें, ताकि जो मंत्र है वो बॉडी में अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे फ्लो करता रहे। फ्लो करने से वो आपकी बॉडी में समा जाएगा, बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिवनेस रहेगी। तो ये 2-3-4 नियम जो मैंने आपको बताए, बच्चों से रिलेटेड, पूजा करने से संबंधित, पूजा करने के पहले, पूजा करने के बाद क्या करना है, इन सभी चीजों को अपने लाइफस्टाइल का एक तरीका, और इसी तरीके से आपको रोज करना है। और कमेंट्स में बोल दें हर व्यक्ति जय श्री राम। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच वंस अगेन।